हाय गाइस, सो स्टूडेंट रिव्यू हमारे पास आ चुका है 25 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के अटेम्प्ट का, जेई मेन 2021 का। एंड आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा मैं ये भी बता दूंगा कि आपको आगे कैसे पढ़ना है। हालांकि मैंने शिफ्ट वन और शिफ्ट टू ऑफ 24 फरवरी ऑलरेडी वीडियो बना ली है, जो आपको यहाँ पे ऊपर दिख जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस बार भी यार, पहली बात अगर अपन बात करें एनालिसिस की या पेपर के लेवल की, तो पेपर इस बार भी काफी ज्यादा ईजी आया और ये शिफ्ट हो सकता है अभी तक की वन ऑफ द सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट हो, जैसा कि मुझे बच्चों ने बताया। ठीक है, क्योंकि इस बार पहले क्या था कि यार इस तरह का एक ऑर्डर रह रहा था कि मैथमेटिक्स ग्रेटर देन फिजिक्स ग्रेटर देन केमिस्ट्री, और ये दोनों दोनों इजी थे। मैथमेटिक्स भी इजी था बट थोड़ा सा लेंदी था, इसलिए इसको अपन टफ कह रहे थे। इस बार तो ऐसा हो गया कि फिजिक्स भी बच्चे कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ईजी आया इस वाली शिफ्ट के अंदर जो अभी हुई है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आए हैं और केमिस्ट्री तो अपना एनसीईआरटी बेस्ड रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये अपन इस बार देख रहे हैं यार कि फिजिक्स हर अटेम्प्ट में या हर साल आप कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा ईजी होता जा रहा है। इस साल जैसे पिछली शिफ्ट के अंदर जो कल हुई थी उसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, आज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा आए, थ्योरेटिकल भी आए हैं ऐसा बच्चे बता रहे हैं। तो इस बार ओवरऑल यार जेई मेन का पेपर इजी हो रहा है, इस साल का जेई मेन इजी तो है, ये तो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको अगर लगता है कि कोई और डिफिकल्टी लेवल है, आपको लगता है कि यार मैथमेटिक्स इजी था, तो कमेंट करके बताओ। बट ज्यादातर बच्चे, मैंने जिन भी बच्चों से बात की वो यही बोल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यार इसके अंदर एक अच्छी बात ये हुई कि मैंने आपको कल परसों जो एडवाइस दी थी कि यार एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाना, फॉर्मूले याद करके जाना, जो एकेडबूस्ट ऐप पे मिल जाएंगे फ्री शॉर्ट नोट्स है, वहां पे तुम फॉर्मूले एटलीस्ट याद करके जा सकते हो, जिससे कि एटलीस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम करके आ जाएं। तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके तुमने अगर नहीं पढ़ा है आगे की शिफ्ट के लिए, तुम्हारा अगर एग्जाम बचा है तो जरूर पढ़ के जाना, याद करके जाना, फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर अच्छा लगे ऐप को एक रेटिंग दे देना, दैट्स ऑल वी वांट, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा हुई हैं और सबसे अच्छा मुझे इस बार भी यही लगा, इस बार भी एकेडबूस के हमारे जो कोर्स थे उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस उठ के आए हैं इस शिफ्ट के अंदर भी। तो बार बार ये चीज प्रूव हो रही है, पिछले साल भी क्वेश्चंस आए थे, फिर हमने और अपडेट किया कोर्स को, और चीजें डाली है। इस साल फर्स्ट शिफ्ट ऑफ 24th, सेकेंड शिफ्ट ऑफ 24th और फर्स्ट शिफ्ट ऑफ 25th में भी मुझे बच्चों ने बताया है कि यूं के यूं क्वेश्चंस उठ के आए हैं और सिमिलर तो पूरा पेपर ही आप कह सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा यार ये चीज हुई। अब बात करते हैं आगे क्या करना है यार, ये तो हो गया चलो यार कि अपना एग्जाम हो गया, अब आगे कैसे प्रिपरेशन करना है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो मैं कहूंगा यार, मैंने आपको कल भी बोला था यही चीज कि सबसे पहले अपन को, अगर मैं एक बार मिटा देता हूँ ये सारी चीजें ताकि आप देख पाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको जाके अपने पेपर को एनालाइज करना है। ठीक है, आपको सोचना है यार कि कौन कौन से सेक्शन में मुझे डिफिकल्टी आई थी, क्या आपको कैलकुलस में डिफिकल्टी आई थी, क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिफिकल्टी आई थी, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफिकल्टी आई थी। यू हैव टू थिंक अलोंग दोज लाइंस और नोट डाउन करें कि ये चैप्टर्स मेरे वीक हैं। उसके बाद तुम्हें तुम्हारी बैकलॉग फटाफट से क्लियर करनी है, कीवर्ड यहाँ पे है फटाफट से। ठीक है, ऐसा मत करने बैठ जाना कि भाई 10-10 घंटे के 20-20 घंटे के यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लेता हूँ मैं, फिर जाके 3 दिन लग के केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ पाए। नहीं, तुम्हें चाहिए कि तुम फटाफट से अपने जो बेसिक्स है वो समझ जाओ कि तुम जेईई मेन के क्वेश्चन बनाने जैसे हो जाओ। इसमें हेल्प करने के लिए तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स जो है वो एकेडबूस्ट का मेरा क्रैश कोर्स है, जिसमें मैंने तुम्हें खुद पढ़ाया है। ठीक है, मैं अपने टाइम जब एग्जाम दिया था मैं फुल मार्क्स लाया था, आप जो एग्जाम आज देके आए उसमें मैं फुल मार्क्स लाया था और हमारे टाइम 90 के 90 क्वेश्चन करने होते थे। तो मुझे एक सर्टेन नॉलेज है यार कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने अपने टाइम में काफी सारे क्वेश्चन पेपर्स बनाए थे। मैं भी खुद IIT के अंदर फाइनल ईयर में हूँ कंप्यूटर साइंस में, तो मुझे पता है यार कि क्या एक्सपेक्टेशन मोस्टली रहती है। तो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने उनको उठा लिया है और उनको इसके अंदर डाला है मैंने केवल। ठीक है, ताकि आपका टाइम सेव हो। तो इसके अंदर अगर आप जाओगे आप काफी कम टाइम के अंदर मार्च अटेम्प्ट से पहले ये सारी चीजें सीख जाओगे। ठीक है, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर आपकी स्पीड बढ़ाने पे भी वर्क किया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है वो आपका स्पीड है, क्योंकि आप में से ज्यादातर बच्चे जिनका लेट से, एक तो कई लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है इसलिए नंबर नहीं आते, और जिनका सिलेबस कंप्लीट होता है उनमें से कई लोगों की स्पीड कम होती है इसलिए नंबर नहीं आते हैं। तो उस कोर्स के अंदर मैंने तुम्हारी स्पीड भी इंक्रीज करवा रखी है, मैंने तुम्हें अपनी पर्सनली डेवलप जितनी भी ट्रिक्स थी सारी सिखाई है कि यार ये चीजें मैंने करी थी जिनसे मतलब हर टाइप के क्वेश्चन में कि यार ये एक तरीका है इसको फास्ट करने का, इस तरीके से आप क्वेश्चन में टाइम सेव कर सकते हो, पेपर में टाइम सेव कर सकते हो, फास्ट पेपर सॉल्विंग टेक्निक क्या रहती है, ये सारी बातें मैंने उसके अंदर डिस्कस की हैं। तो अगर तुम्हें ये कोर्स लेना हो, नहीं है लेना है तो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें ये कोर्स लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एकेडबूस्ट ऐप या वेबसाइट पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप परचेस कर सकते हैं। बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट है जो आपकी रैंक और आपका कॉलेज बदल सकता है। ठीक है, इसमें इतना पोटेंशियल है, प्रूवन चीज है, पिछली बार भी ये हुआ था और इस साल की शिफ्ट में भी जो बच्चे इनको कंप्लीट करके गए हैं, मैंने जो भी बोला था उससे मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के काफी ज्यादा, 200+ 250+ ऐसे भी बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट, डू चेक इट आउट। और अगर ऐसा है यार कि नहीं हम ये नहीं कर सकते हैं, तो
तो यार आप इन दोनों को वर्क करने के लिए एटलीस्ट एनसीईआरटी तो पढ़ के जाओ, क्योंकि आप देख रहे हो केमिस्ट्री में तो पूरा ही पेपर एनसीईआरटी से उठ के जा रहा है, स्पेशली अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक वगैरह की। ऑर्गेनिक में चलो ठीक है थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बट इनऑर्गेनिक तो हम याद कर सकते हैं ना, इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी तो पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है, उसमें आप कमी नहीं कर सकते। अगर अभी भी नहीं पढ़ रहे हो, अभी भी नहीं कर रहे हो, फिर यार तुम्हारा जेई फिर कोई भी नहीं बचा सकता है, फिर उसके लिए तुम खुद ही स्वयं जिम्मेदार रहोगे। एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़ के जानी है आगे के अटेम्प्ट्स के लिए, ये बात क्लियर हो गई है। तीन शिफ्ट अपन ने देख लिए, तीनों शिफ्ट के अंदर ये बात हाईलाइट हुई है, तो अब ये गलती ना करें। मार्च अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट और मई अटेम्प्ट हमें अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यार कि नेक्स्ट अपन को पीवाईक्यूज भी मेरे हिसाब से काफी ज्यादा देख के जाने चाहिए, ठीक है, स्पेशली जो अभी शिफ्ट हो गई है ना एक और दो, उनके भी पेपर कहीं कहीं पे आ गए, आप उनको सर्च करके थोड़ा देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनसे एक आइडिया लगता है कि यार क्या अपनी स्पीड होनी चाहिए, किस तरह से अपना पैटर्न चलना चाहिए पेपर सॉल्व करने का। और इसके अलावा फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए, अगर कुछ भी याद नहीं हो, ये तीनों चीजें तो मस्ट है। मतलब अगर तुम्हें इवन एक डिसेंट स्कोर भी लाना, ये तो करना ही करना, क्योंकि हर बच्चा करके जा रहा है। और इस बार सिंपल सी बात है, कट ऑफ शायद राइज हो सकती है, बिकॉज पेपर ईजी आ रहा है, राइट, और बच्चों को प्रिपरेशन का टाइम भी ज्यादा मिल गया है। तो अगर आप ये मिनिमम चीजें नहीं करते हो तो यार यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ स्टफ, ओके। और इसके अलावा बेस्ट तो यही है कि आप एकेडमिक्स में एनरोल हो जाइए, वहां पे आपको ये सारी चीजें तो होंगी ही होंगी, साथ ही में बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन, स्पीड इंक्रीज करने के तरीके और सिलेबस कवरेज इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम कराया जाएगा, ठीक है। और ये सब तो चलो यार बाद में होगा, ये सब बाद में होगा, पहले आपको अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस लाना है। कई सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि यार जेई हो गया और अच्छा नहीं हुआ तो डीमोटिवेट हो जाते हैं यार, कि भाई हो ही नहीं रहा हमसे तो कुछ होता ही नहीं, हमें तो कुछ पोटेंशियल ही नहीं है। ये नहीं सोचना है मेरे भाई, ठीक है, ये अगर तुम सोचोगे तो फिर तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि यार सबसे पहली जो अपनी स्टार्टिंग होती है ना किसी भी चीज़ की, वो इससे होती है कि यार हम खुद में कितना बिलीव करते हैं। तुम अगर जाओगे ही मार्च अटेम्प्ट में ये कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, तो कुछ भी हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो आज अगर तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं भी हुआ हो, ठीक है, तो भी ऐसा सोचो कि कोई बात नहीं, अभी ये तो ट्रायल था, मार्च अप्रैल और अटेम्प्ट और एक और मई अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट और है अपने पास, और फिर जेई एडवांस, बिट सेट, स्टेट लेवल एग्जाम बहुत सारे पढ़े हैं, ठीक है, तो इसको जस्ट एज ए ट्रायल समझिए और अब आप आगे सीरियस होके पढ़िएगा, मोटिवेटेड होके एकदम। बता दिया है मैंने इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करें कि यार एनसीईआरटी नहीं पढ़े, केमिस्ट्री की तो पढ़ें, पीवाईक्यूज लगाएं, फॉर्मूले याद करें, और बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये है कि आप एकेडमिक्स में एनरोल होकर मेरे लेक्चर्स देख लीजिए, उसके अंदर जो आपको ज्ञान मिलेगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। पिछले अटेम्प्ट्स के अंदर भी क्वेश्चंस यूके उठ के आए थे, ग्रेविटेशन में तीनों क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे, सेमीकंडक्टर से तीनों क्वेश्चन मैंने बताए थे, मेटलर्जी के अंदर जो तीनों क्वेश्चन आए थे मैंने बताए थे, वेक्टर एंड थ्री डी के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर रखे थे। तो इतने कम टाइम के अंदर आपको अगर इतना बेनिफिट हो रहा है, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, आई विल मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू योर जेई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट यार, और एकदम मोटिवेटेड होकर नेक्स्ट अटेम्प्ट एकदम अपन शानदार करके आएंगे, है ना। थैंक यू।